दोस्तों शाहरुख खान फिर से दुबई में बेटे आर्यन खान के ब्रांड को ग्रैंड तरीके से लॉन्च करने आ रहे हैं। दुनिया भर से किंग खान के लाखों फैंस इस इवेंट को देखने आ रहे हैं। वहीं शाहरुख खान अपनी किंग फिल्म को भी वहां पर प्रमोशन कर सकते हैं। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म किंग बुर्ज खलीफा पर धूम मचा रहा है। दुबई में किंग फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। शाहरुख की फिल्मों का जितना हाइप इंडिया में होता है उतना ही विदेशों में भी क्रेज होता है। किंग का धमाकेदार क्रेज देख लोगों के होश उड़ गए हैं। दुबई अमेरिका समेत कई देशों में द किंग फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। अमेरिका लंदन बड़े बड़े शहरों में किंग का क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि शाहरुख को ग्लोबल स्टार कहा जाता है। दुनिया में शाहरुख के करोड़ों फैंस हैं और द किंग फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं। शाहरुख की द किंग फिल्म बहुत जबरदस्त होने वाली है और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वही शाहरुख भी किंग फिल्म को बड़े लेवल पर लेकर जाने को तैयार है, लेकिन इससे पहले शाहरुख खान अपनी फिल्म द किंग की सारी तैयारी कर रहे हैं। अगले साल आपको दो बड़ी फिल्में शाहरुख की देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप शाहरुख खान की फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि अब आप शाहरुख की किस फिल्म को पहले देखना चाहते हैं। वैसे तो शाहरुख खान पठान 2 पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जो यशराज स्टूडियो के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है। वही कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि शाहरुख द किंग को पहले रिलीज करेंगे। वही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि शाहरुख खान अभी ऋतिक रोशन के पिता से भी मीटिंग कर चुके हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे। अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया। जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद इटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।